इससे पहले कि हम शुरू करें, हमें ये पता होना चाहिए कि सभी मॉलिक्यूल्स सिर्फ एक ही प्लेन में नहीं रहते, जैसे कि उन्हें कागज पर ड्रॉ किया जाता है। वीडियो को रोकिए और मीथेन को ड्रॉ कीजिए। हमें उम्मीद है कि आपने इसे ऐसे ड्रॉ किया होगा, लेकिन वास्तव में ये एक 3D मॉलिक्यूल है और इसे ऐसे विजुअलाइज किया जाना चाहिए। अब सेंटर के कार्बन एटम को इमेजिन कीजिए जो कि एक स्फीयर से घिरा हुआ है। अब हमें हाइड्रोजन एटम्स को इस तरह अरेंज करना है कि कोवेलेंट बॉन्ड के पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से जितना हो सके उतनी अधिक दूरी पर रहें। इसे इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्स यानी बॉन्डिंग और लोन पेयर्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे हमें नीचे की ओर एक ट्रायंगुलर पिरामिड शेप मिलता है जिनके हर कॉर्नर में एक हाइड्रोजन एटम होता है और चौथा हाइड्रोजन टॉप पर आता है। चार बॉन्डिंग पेयर्स वाले इस शेप को टेट्राहेड्रन मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसका बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री होता है। आपने शायद अमोनियम आयन देखा होगा, NH4+। वीडियो को यहीं रोकिए और इस मॉलिक्यूल का शेप ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। इस अमोनियम आयन में भी सेंट्रल एटम के चारों ओर चार बॉन्डिंग पेयर्स होते हैं और इसलिए इसका शेप भी मीथेन की तरह एक टेट्राहेड्रन ही होगा। आइए अब अमोनिया NH3 की बात करते हैं। वीडियो को फिर से रोकिए और इसका डॉट क्रॉस डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये है इसका डॉट क्रॉस डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहां तीन बॉन्डिंग पेयर्स हैं, जबकि एक लोन पेयर है। लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेंगे और वास्तव में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसी वजह से मॉलिक्यूल का शेप तो पहले जैसा ही होगा, लेकिन इस बार लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम्स को और ज्यादा रिपेल करेंगे, जिससे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री से घटकर 107 डिग्री हो जाएगा, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के एक्स्ट्रा रिपल्शन की वजह से। फाइनली आइए पानी यानी वाटर के मॉलिक्यूल की बात करते हैं। वीडियो को यहीं रोकिए और एक बार फिर से डॉट क्रॉस डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये है हमारा डॉट क्रॉस डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, वाटर में दो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं और दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को पहले से भी ज्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हमें एक वी शेप्ड मॉलिक्यूल मिलेगा जिसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री का होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी तीन मॉलिक्यूल्स में चार इलेक्ट्रॉन पेयर्स थे, उनमें या तो बॉन्डिंग पेयर था या लोन पेयर, इसलिए वे सभी टेट्राहेड्रन मॉलिक्यूल्स पर बेस्ड थे। हालांकि लोन पेयर के एक्स्ट्रा रिपल्शन के कारण उनके बॉन्ड एंगल में थोड़े वेरिएशंस थे।